चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखा हुआ है और बोला है इनमें से कौन कौन सा एरोमेटिक नेचर का होगा। तो बेसिकली आपको फॉलो करना है हकस रूल, यानी आपका फिगर साइक्लिक होना चाहिए, फिगर प्लेनर होना चाहिए और आपके फिगर में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और आपका जो पाइलट्रॉन का नंबर होगा 4n+2 वो बिलोंग करेगा। तो ऑप्शन ए में सारा रूल सेटिस्फाई कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है और 4n+ यानी पाइलट्रॉन का नंबर क्या होगा, 6 पाइलट्रॉन है। बी में भी क्या है, बी में साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और पाइलट्रॉन का नंबर क्या है, 6 पाइलट्रॉन, इसमें भी मिल जाएगा हमको। सी वाले केस में क्या है कि यहाँ पे sp3 कार्बन हो गया है, इसके कारण सिस्टम हो जाएगा नॉन प्लेनर, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। सेम ऑप्शन डी में क्या है कि पाइलट्रॉन का नंबर जो है वो 8 पाइलट्रॉन हो गया, ये आपके एरोमेटिक नेचर में बिलोंग नहीं करेगा। इसके अकॉर्डिंग मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों लोग, तो ये होगा मेरा आंसर ए एंड बी आर एरोमेटिक, यानी ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।